सो हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी भाजी। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिसल्स। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो मैं कुछ महीनों पहले पुणे गया था और ऐसा बोला जाता है कि मुंबई में जो सबसे बढ़िया जगह है ना मिसल खाने की, वो है पुणे। जी हाँ, पुणे के मिसल इतने शानदार हैं कि मुंबई से पुणे कुछ 3 घंटे का सफ़र है और मुंबई वाले जो पक्के फूडी होते हैं वो बोलते हैं कि भाई मिसल मुंबई में नहीं खाएंगे, हम लोग पुणे में जाके खाएंगे। मैं और आप मिलके रिकलेक्ट करते हैं जो भी मैंने आपको पुणे सीरीज में सारे मिसल दिखाए, उनमें से चुन चुन के मैंने आपके लिए बेस्ट मिसल ढूंढ के रखे हैं इस वीडियो में। बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कमेंट करके पहले ये बताइए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र वाले लोग और खासकर जो पक्के पुणे वाले लोग हैं वो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। मिसल उनकी रग रग में है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपके शहर में कौन सी बढ़िया चीज़ मिलती है, जैसे दिल्ली के छोले भटूरे, अमृतसर के अमृतसरी कुलचे और कोलकाता के तो ना जाने पुचके, रसगुल्ले और क्या क्या, आपके शहर में क्या मिलता है कमेंट करके बताइए। चलते हैं वीडियो के अंदर, दिखाता हूँ आपको एकदम स्मोकी मिसल, मीठा मिसल, एक्स्ट्रा तिखड़ मिसल और अनलिमिटेड मिसल। पूरा खा जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये निखारा किसे बोलते हैं, मेरे को मराठी आती नहीं है। निखारा बोलो तो ये अंगार, अंगार निखारा होता मराठी में। अच्छा, कोयला, 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 ठीक है। और इसमें और सादा जो मिसल है उसमें क्या फर्क रहता है? ये आलू का मसाला, आलू का मसाला। ये हम लोगों ने सादा वाला बनवाया एक, और एक हम लोगों ने निखारा वाला बनवाया। ये बेसिकली कोयले का, ये थोड़ा स्पेशल है। ये आपको दोनों आपको दिखाऊंगा कैसे बनते हैं। पहले एक भर के देते हैं। ठीक है, भर के देते हैं। इसमें ये नमकीन डलता है। अभी तक इन दोनों में सेम है, आगे जाके थोड़ा इसमें ट्विस्ट आएगा। खाली वो टेस्ट में फर्क है। टेस्ट में फर्क काफी आएगा। हाँ, काफी आएगा। कितने साल हो गए इसको करते हुए? ये 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा, तो ये कैसे आपने सोचा इसको बनाने का? वो पुणे में फर्स्ट मिसल फेस्टिवल भरा था। मिसल फेस्टिवल बना था। फेस्टिवल पहला। हाँ, बहुत खाते हैं पुणे में लोग मिसल। बहुत सारे, इतना मुझे भी नहीं मालूम कि मिसल के शौकीन इतने लोग हैं। अच्छा, वो टाइम मुझे मालूम पड़ा मिसल खाने वाले लोग कितने कितने हैं। अभी ये हो गए। हाँ, ये हो गए तुम्हारा सादा वाला मिसल। सादा वाला मिसल, ठीक है। सादा वाला बन के तैयार। इस पे ये इसको क्या बोलते हैं जी? वो सैंपल बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं सैंपल। सैंपल नीचे वो स्प्राउट रहता है वो। अच्छा, स्प्राउट रहता है, दाल रहती है। मटकी रहता, मटकी का, मटकी दाल। अच्छा, नीचे और ऊपर तरी रहती है थोड़ी। ये ऊपर तरी तीखी होती है, स्पाइसी होता? थोड़ा स्पाइसी रहता, थोड़ा सा स्पाइसी रहता है। ये ऐसा रहता है। अच्छा, और ऊपर इसके तरी तड़का रहता है ऐसा, उसका तरी आता है। वो तरी आता है, इससे टेस्ट अलग लगता है। ज्यादा पकने के बाद जैसे आता है। हाँ, इससे टेस्ट अच्छा लगता है। अभी आपको ये लगा के देखा होगा। ठीक है, ये घी रहता है। ये घी रहता है। यहाँ से कोयला उठाने का, निकाला बोलो को अंगार, अंगार, अंगार। अच्छा, अंगार लगा के ऐसा दबा के बंद कर दे। उसका जो धुआं आता है, धुआं आता है घी अपना वो। हाँ, ये और कोयले का जो धुआं आता है, धुआं आता है। हाँ, उसमें दबा के रखने, दबा के रखने का। अब ये टेबल पे खुलता है। और इसका क्या प्राइस रहता है? ये कितने का रहता है? 90 का रहता है। पुणे में हम लोग खा रहे हैं निखाला मिसल। भाई साहब, ग्रेवी स्वाद अनुसार और तीखा डबल स्वाद अनुसार। ठीक है जी, मैं एक मिसल ट्राई कर रहा हूँ। ये वो देसी घी वाला जो आपने देखा ना, खतरों के खिलाड़ी। मन है पर क्षमता नहीं है। अरे बाप रे, कितना तीखा खाना खाते हैं पुणे वाले। तो आप है ना, ये वाला जिसमें स्पाइसी ऐड किया था मैंने, अब थोड़ा सा ये ट्राई करके तो बहुत अच्छा। मतलब इसमें एक्चुअली थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। बढ़िया रेस्टोरेंट।
और ये सादा वाला है। सादा वाला इसमें स्पाइस थोड़ा ऐड किया हम लोगों ने। आपका पूरा पसीना आ चुका है आपको। मैं सोच रहा हूँ कोल्हापुरी खा के क्या होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अगली मिसल की जगह पर जाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने ट्रैवलिंग पाजी का एपिसोड नंबर 3 भूटान सीरीज़ का नहीं देखा है तो वो डल चुका है, लाइव हो चुका है, जाइए देखिए, उस पर अपना सपोर्ट दिखाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, सब कुछ करिए। अब यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, हम लोग वापस वीडियो के अंदर प्रस्थान करने वाले हैं। अगर आपने कुर्सी की पेटी नहीं बांधी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो देख के आपको कोई भी एक्सीडेंट होने का डर नहीं है। यहाँ पे ना रूल है, आपको एक प्लेट ही पर पर्सन खाना होता है। अगर आप ज़्यादा लोगों, जैसे हम लोग अभी 1-2 और मैं खुद 3 हूँ, तो हम लोगों ने क्या किया, 70 रुपीज़ का फुल प्लेट है, उसमें 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो आप शेयरिंग कर सकते हो और उसके 30 रुपीज़ में आपको ये और एक ये एक्स्ट्रा मिलता है। दैट्स इट, रीजनेबल। अब यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिसल्स ऑफ पुणे। मोस्टली आपको बहुत जगह पे ब्रेड के साथ भी दिया जाता है। घर में लोग खाना ब्रेड के साथ खाते हैं। फ्लेवर जो मेरे को जितना समझ आ रहा है कि इसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स मिला के जो इसका कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ताबड़तोड़ होगा। इसे गाइड करें, होने वाले लोग इस बैठे हैं, वो बता रहे हैं कैसे खाने। स्पाइसी नहीं है, स्पाइसी नहीं है, स्पाइसीनेस थोड़ा सा कम किया, ब्रेड थोड़ी सी मीठी होती है तो उससे और कम हो गया। के मिसल इज़ वेरी फेमस एंड वेरी गुड, बट अपने दिमाग में यार अभी भी वो ही कीड़ा है तीखे वाले मिसल का और पाव के साथ मिसल का। भाऊ आपको मिसल पसंद है ये वाला? बेस्ट मिसल एवर, ओल्डेस्ट इन पुणे, वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू? ये क्या उसके साथ आया मेरे को? कोकोनट। कोकोनट भी डाला, उसका फ्लेवर आया ना। हाँ बहुत अच्छा, मीन्स एक अलग ही फ्लेवर आया, हल्का 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 उसका ऑयल आ रहा है और बहुत सही, वो अलग ही फ्लेवर दे रहा है ना। कोकोनट बहुत सही है, कोकोनट वाली बाइट लेना ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कोकोनट वाली बाइट से मेरे को एक्चुअली अच्छा लग रहा है। भाई साहब ये है कोल्हापुरी वाली, ये होती है थोड़ी स्पाइसी एकदम तीखा, ये है पुणे वाली, पुणे ज़्यादा तीखा नहीं होता, ये सबसे नाशिक है। हाँ। नाशिक थोड़ा मीठा रहता है, उसमें गुड़ डालता है। हाँ गुड़ डालता है, प्याज नहीं है। और ये कौन सा है? ये है जैन, इसमें प्याज नहीं है, बिल्कुल प्याज नहीं है। और ये वंसी मिलता है, ये भी बार बार नहीं, नहीं, ये अनलिमिटेड जितना चाहिए उतना। अच्छा ये सब कुछ अनलिमिटेड, सब कुछ अनलिमिटेड। ब्रेड और पाव दोनों? ब्रेड और पाव। अच्छा ब्रेड और पाव, ग्रिल चाहिए तो ग्रिल भी मिलेगा क्या? नींबू कांदा है, पोहा आ गया, मटकी 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 आनी है, पीस पीस, आलू की भाजी, आलू की सब्जी, आलू बटाटे की भाजी। ओ अच्छा, दही दही के साथ भी खा सकते हैं, स्पाइसी लगा तो उसको खा लो। थोराज बारबेक्यू, अभी हम लोग नवले ब्रिज के पास में है, नमकीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, घाटिया वगैरह सेव वगैरह इसमें। अभी इसमें क्या डालना है? पोहा डालना है। आप कुछ भी डाल सकते हो, आप ये भी डाल सकते हो, आप ये भी डाल सकते हो, आप इसका बेस ले लो, आप इसका, आप ज़्यादा कलाकार हो, आधा इसका बेस लिया, तेरा भाई सुपर स्टार है, ठीक है। अभी आपने क्या लिया? अब आपने मटकी डाली, चलेगा चलेगा चलेगा, ऑर्डर सही चल रहा है, सही है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है, मटकी इधर भी डाली, दो बना रहे हैं ना हम लोग। 40 रुपये किलो प्याज। अब बारी आई इसकी, अब इसमें कौन सा डाले? पहले कोल्हापुरी, देखिए हम तीखा खाने के शौकीन है। वो नाशिक, नाशिक हाँ वही पुणे के मसल तो बहुत खा लिए ना, अब कुछ अलग खाते हैं ना। दही अपने को जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, अपना स्पाइसी लेवल सही है एकदम। ग्रिल्ड पाव, पाव है। ये कौन सा था? कोल्हापुरी। हाँ एक बाइट इसका मारते हैं। ठीक है, इतना स्पाइसी नहीं है, कंट्रोल्ड है। जैसे जैसे मौका लगता है जैनी भाई को हम लोग खुश करते हैं। अच्छा यार, कोई बोल ही नहीं सकता इसमें प्याज नहीं डाला। जैनी भाई सर हैप्पी। 99 रुपये में मैं तो फुल लपेट के खाता हूँ इसको। भाई आने दो,
पूरा बन का डब्बा ये लेके जाएंगे, ये आप खाइए, मैं अपना और मंगवाता हूँ, बाकी सबके और आते रहेंगे, अनलिमिटेड 99 रुपीज में, कोई टाइम लिमिट नहीं है, 3 घंटे बैठे रहो, कोई नहीं उठाने वाला आपको, सब खा जाओ। आलू है, इसके ऊपर मटकी है, उसके ऊपर फरसान है। इसमें मटकी नहीं आता है। मटकी नहीं है, इसमें फरसान है, आलू ओनली। अच्छा, ये गीला मिसल है और ये है सूखा मिसल। बताओ सूखा मिसल दिखाओ। ये सूखा मिसल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओ, ये पूरा सूखा है। मठा चीयर्स। इसके अंदर मटकी है, एक्चुअली जो है ऊपर से तरी है। हाँ, ये स्पाइसी है तो ये okay. इसने इसमें डाल दी पहले। इनकी जो मिसल है ना, इनकी मिसल में खटकी, इनके मिसल में मटकी नहीं है, सिर्फ आलू। तो मुझे तो लगता है तो मिसल में मटकी हो तभी तो वो मिसल है। एक्चुअली इनकी मिसल में मटकी नहीं रहती। तो फिर ये मिसल कैसे हुआ? चलता रहा है, जमाना है, सब बना रहे हैं तो लोग खा रहे हैं। ये सही है यार, ये तो स्कैम है। स्कैम है। अब ये क्या हो गया? लॉल, मैं तो मटकी ढूंढ रहा हूँ, मटकी नहीं है। तो भाई अभी हम लोग ना अपने आखिरी मिसल पे आए हैं, टाटा की मिसल पे हम लोग आए हैं। काफ़ी लोगों ने रेकमेंड करा था, यहाँ पे 70 रुपीज़ की मिसल की प्लेट है। मटकी बेसिकली जो होते हैं ना, स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स मिसल में डलते हैं और उसकी ग्रेवी बनती है और उसके साथ आलू या पोहे का बेस रहता है और फिर उसके साथ फरसान रहता है, वो चीज़ मिसल कहलाई जाती है। मेरे को लगता था ऐसा, और यहाँ पे स्कैम है, यहाँ पे मटकी नहीं है और लोग मजे से खा रहे हैं, वेटिंग चल रही है, टोकन नंबर देते हैं, इनसेन। मिसल स्पाइसी कैसे बनता रहा, ये देखो, ये जो होता है ना, ये चीज़, इससे मिसल तीखा होता है। अगर मैं इस रिश्ते को इसमें डाल दूँ और ये बाइट ले लूँ, दिस बाइट विल बी अल्ट्रा स्पाइसी। कैसा का पुणे है, स्पाइसी मिसल। असली मिसल वो जो स्पाइसी हो, स्पाइसी है ना? वो काफी स्पाइसी है, काफी लोगों ने रेकमेंड करा था ये, वेरी गुड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे सब लोगों को खाने की कुछ कुछ क्रेविंग्स हो रही है, खाने की क्रेविंग्स खाने की वीडियो देख के थोड़ी बहुत सेटिस्फाई हो जाती है। आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन।